भूल कर भी स्वप्न में जो पति की निंदा नहीं करती, पति का अपयश नहीं करती, पति के नाम को लजाती नहीं, वही सहधर्मिणी है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप अपने विवाह के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके परिवार में कोई शादी लायक हो चुका है और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस असमंजस में है कि आखिर कैसी लड़की से अपने बेटे का विवाह कराया जाए कि उसकी किस्मत बिल्कुल चमक जाए। आखिर कैसे बिना कोई जांच पड़ताल किए पता लगाया जा सकता है कि किस महीने में जन्मी लड़कियाँ आपके परिवार के लिए भाग्यशाली रहेंगी, या फिर आप एक खुद महिला हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं और शादी के बाद अपने भाग्य और व्यवहार के बारे में सब कुछ पता करना चाहती हैं, वो भी बिना किसी ज्योतिषी और किसी पंडित को अपनी कुंडली या फिर अपना हाथ दिखाए बिना। तो दोस्तों, इसका समाधान हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि केवल जन्म के महीने से यह पता लगाया जा सकता है कि आप भाग्यशाली हैं या फिर नहीं। तो अगर आप भी खुद के या फिर किसी और महिला के भाग्य के बारे में पता करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे तो महिलाओं को समझना स्वयं ब्रह्म देव के वश में भी नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि कुछ खास महीने में जन्मी हुई महिलाएं जन्म से ही भाग्यशाली होती हैं। तो केवल महिलाओं के जन्म के महीने से यह पता लगाया जा सकता है कि वह आगे चलकर अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगी या फिर नहीं, और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि गुरुजी ने किस महीने में जन्मी हुई महिलाओं को सबसे ज्यादा भाग्यशाली बताया है। तो दोस्तों, अगर शास्त्रों के हिसाब से बात की जाए तो हिंदू पंचांग का सबसे पहला महीना चैत्र का महीना होता है। चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था, और वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र के महीने से ही माना जाता है। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव भी चैत्र के महीने में ही माना गया है, और इसी के साथ कई और विशेष त्योहार वाला यह महीना हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में जो भी महिलाएं जन्म लेती हैं वह रूप और गुणों की भंडार होती हैं। ऐसी महिलाएं अच्छा वक्त होने के साथ नेतृत्व की भावना के साथ ही जन्म लेती हैं। इनका रंग गोरा होता है, यह धनवान होती हैं और उनके नेत्र रत्न की तरह चमकीले और आकर्षित होते हैं। इन्हें अपने जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति होती है। इनकी कुंडली में पुत्र योग होता है और इन्हें राजयोग भी प्राप्त होता है, लेकिन इनका स्वभाव क्रोधी होता है और यह बेहद जिद्दी मानी जाती हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से दूसरा महीना वैशाख का महीना होता है, और यह महीना अप्रैल से मई तक होता है। विशाखा नक्षत्र में होने की वजह से यह महीना और भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि यह नारायण का सबसे प्रिय महीना होता है। तो जो महिलाएं इस महीने में जन्म लेती हैं वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इनका रंग रूप सुंदर, आंखें बड़ी, बोली मीठी और भाग्य प्रबल होता है। यह होशियार होने के साथ कम खर्चीली होती हैं और अपने पति की सेवा करने के लिए अपने प्राणों तक को न्योछावर कर देती हैं। लेकिन इन महिलाओं में क्रोध और अपनी बात मनवाने की कला कूट कूट कर भरी होती है। हिंदू पंचांग का तीसरा महीना ज्येष्ठ मास है। इस महीने में सूर्य के तेज की प्रबलता होती है, इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं इस महीने में जन्म लेती हैं वह दिमाग की तेज होती हैं और अपनी इसी कला के दम पर यह पैसा कमाकर धनवान बन जाती हैं। इसी के साथ यह महिलाएं आध्यात्मिक होती हैं, पूजा पाठ में तीर्थ स्थान में समय व्यतीत करती हैं और जिस काम को करने की ठान लेती हैं उसे पूरी कुशलता के साथ पूरा करती हैं। साथ ही यह हमेशा अपने पति की चहेती बनकर रहना चाहती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास साल का चौथा महीना है, और इसी महीने से गर्मी खत्म होने के साथ वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं आषाढ़ के महीने में जन्म लेती हैं इन महिलाओं को संतान प्राप्ति योग होते हैं, और इनके पास पैसे की भले ही कमी रहती हो लेकिन इन्हें संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इनके पति भी इन्हें बेहद प्रेम करने वाले होते हैं। हिंदू पंचांग का अगला महीना श्रावण मास होता है, जो कि महादेव का प्रिय महीना होता है, और इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वह आध्यात्म की तरफ झुकी हुई भक्ति भाव और पूजा पाठ करने वाली महिलाएं होती हैं। यह महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ मानसिक रूप से भी पवित्र होती हैं। यह महिलाएं मन की साफ, शारीरिक
शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट सुंदर और सदाचारी होती हैं और इन्हें जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। हिंदू पंचांग के छठे महीने को भाद्रपद मास कहा जाता है। इस महीने में कई सारे त्यौहार जैसे हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, अनंत चौदस जैसे खास त्यौहार होते हैं और इस महीने में जन्मी महिलाएं भाग्य की प्रबल होती हैं। इन्हें अपने जीवन में धन और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही यह महिलाएँ समझदार और सदाचारी होती हैं। ये सोच समझ कर काम करती हैं और घर से लेकर बाहर तक सभी जिम्मेदारियाँ आसानी से निभा लेती हैं। साथ ही यह मीठा बोलने वाली और खुश मिजाज स्वभाव की होती हैं। इसी के साथ हिंदू पंचांग का सातवां महीना अश्विन मास कहा जाता है और इस महीने में पितरों की पूजा की जाती है। यह महीना माता दुर्गा को भी समर्पित होता है और इस महीने में जो भी महिलाएं जन्म लेती हैं वह बेहद ही धनवान और सुखी रहने वाली होती हैं। यह सुंदर होने के साथ अपने कार्यों को कुशल रूप से करती हैं, संतान प्राप्त करने वाली होती हैं और अपने काम में ही खुश रहने वाली होती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग का आठवां महीना कार्तिक महीना होता है, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है और यह महीना नारायण को समर्पित होता है। बताया जाता है कि इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं उनका स्वभाव कुटिल होता है, अपना मतलब सीधा करने के लिए जानी जाती हैं। इनका स्वभाव गुस्से वाला और इनका कद छोटा होता है। इन्हें धन और सुखों की प्राप्ति होती है लेकिन यह मन से कुटिल और क्रूर होती हैं, यानी इन्हें दूसरों पर दया बिल्कुल भी नहीं आती। दोस्तों, हिंदू पंचांग का अगला महीना मार्गशीर्ष मास यानी अगहन कहा जाता है। इस महीने में जन्म लेने वाली महिलाएं दया, दान, धर्म और सदाचारी कार्य करने वाली होती हैं। यह दिखने में सुंदर और मृदुभाषी होती हैं, कोमलता से अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं और हर एक क्षेत्र में अपने आप को सफल प्रदर्शित भी करती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग का दसवां महीना पौष मास कहा जाता है। इस महीने में सूर्य की उपासना करनी चाहिए। बताया जाता है कि जो महिला इस महीने में जन्म लेती है वह पुरुषों के स्वभाव वाली होती हैं। यह कद काठी में और व्यवहार में बिल्कुल पुरुषों की तरह होती हैं और पुरुषों की तरह ही इन्हें काम करने की कला भी होती है। यह महिलाएं अपने पति से विमुख रहती हैं, घमंडी होती हैं और समाज में गर्व से रहना चाहती हैं। यह बात बात पर गुस्सा करने वाली होती हैं और लोगों के बीच में अपना उल्लू सीधा करना ये महिलाएं अच्छे से जानती हैं। साल का 11वां महीना माघ मास कहा जाता है। इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वह ना केवल सौभाग्यशाली होती हैं बल्कि उन्हें धन की भी प्राप्ति भरपूर रूप से होती है। इन्हें संतान सुख मिलता है और साथ ही यह बुद्धिमानी की खान होती हैं। यह सत्य बोलने वाली होती हैं और अपनी बोली से कभी कभी यह दूसरों का दिल भी दुखा देती हैं। हिंदू पंचांग का आखिरी महीना फागुन मास बताया जाता है। यह महीना चंद्र देव को समर्पित किया जाता है। तो इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वह सर्व गुण संपन्न मानी जाती हैं। यह ना केवल ऐश्वर्यशाली होती हैं बल्कि इनकी कुंडली में राजयोग का विधान बना हुआ होता है। इन्हें धन, पुत्र और संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और यह दूसरों का भला करने वाली, तीर्थ यात्रा करने वाली और कोमल स्वभाव की रूप गुण और वचनों की भंडार होती हैं। तो दोस्तों, गुरु जी के अनुसार इस तरह से अलग अलग महीने में जन्म लेने वाली महिलाओं के हिसाब से आप जान सकते हैं कि कौन सी महिला का स्वभाव कैसा है और वह कितनी भाग्यशाली हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।